सो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका एक और डोज दिल्ली डोज विद काजू। भाई मैं रात को बहुत ज़्यादा थक गया था, 5 बजे सोया वीडियो एडिट करके। इससे पहले वाला व्लॉग आपने देख ही लिया होगा, और उसका सीन ऐसा हुआ कि भाई मैं वीडियो अपलोड करा और बैटरी ख़त्म और फ़ोन डेड, तो अपलोड भी नहीं है वो। फिर क्या ही मुझे क्या कहते हैं अपना 12 बजे करनी पड़ी। अभी मैं बाइक पे हूँ अजय के साथ, अभी मैं घूम रहा हूँ। और आज है 15 अगस्त, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको, 75वीं सालगिरह। आप सबको बहुत 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 मुबारक हो ना भाई, तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अभी हम ना वैसे माहौल देख रहे हैं कि 15 अगस्त का बाहर, मैंने बोला था ना चेक करके आएंगे कि कोई परेड वरेड तो निकल रही, पर अभी कोई नहीं निकल रही। अभी आपको दिखाता हूँ, तो देखो आप वो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, देखो जल्दी देखो। सो गाइस, मुझे तो लग नहीं रहा कि मतलब कोई 15 अगस्त का बाहर है, सारे मेरे को लग रहा है छत पर चढ़े हुए और पतंग उड़ा रहे हैं या फिर अपनी छुट्टी इन्जॉय कर रहे हैं। सड़कें खाली हैं एकदम, कोई नहीं है और कोई जाम नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही हैं, पता ही नहीं भाई। अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी मार्केट वगैरह लगी हुई है शायद, जो लग रहा है मुझे। अभी दिखाता हूँ आपको आगे से। तो ये हम आ चुके हैं चेतक मार्केट के साइड, और यहाँ पे भी कोई ज़्यादा भीड़ है ही नहीं भाई, और मार्केट भी बंद है सारी है। देखो कोई है ही नहीं मार्केट में भी, और यहाँ देखो तिरंगे, हर घर तिरंगा, कितने सारे तिरंगे लगे हुए हैं ये देख रहे हो, तिरंगा ही तिरंगे, तिरंगा ही तिरंगे, तिरंगा ही तिरंगा। तो जय हिंद जय भारत, ये देखो मतलब कोई भीड़ नहीं है ज़्यादा भाई, नॉर्मल है। मतलब सब घर पर, ये सड़कों पर ट्रैफिक नहीं है, कल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था 15 अगस्त की वजह से भी। आज 15 अगस्त, आज सबने शॉपिंग कर ली है और सब अपने घर में हैं और सब अपनी छुट्टी इन्जॉय कर रहे हैं। ये देखो यहाँ बच्चों का मेला लगा हुआ है, पतंगे वगैरह चरखरी वगैरह के लिए, कि घर जाके वगैरह। और ये साईं बाबा का मंदिर आ गया हमारे, जय साईं बाबा, जय साईं बाबा। और यहाँ पे भी देखो तिरंगा ही तिरंगा लगा मिलेगा आपको, हर जगह तिरंगे मिलेंगे अब। तो यहाँ पे देखो कुछ बच्चों का कुछ हो रहा है, यहाँ पे बच्चे नहीं है, बच्चे ही। और यहाँ देखो तिरंगे के साथ फ़ोटो खींची, और ये अपलोड होगी कहाँ पे, harghartiranga.com पे, और वहाँ से इनको मिलेगा सर्टिफिकेट। ये देखो। सो गाइज, ये है पम्मी स्वीट की मार्केट, और ये भी देखो शाम को कितनी चहल पहल और भीड़ रहती है यहाँ पे, और ये भी इस टाइम खाली है। तो उसमें कोई लग ही रहा है भाई, सारे अपने घरों पे हैं छत पे। यहाँ पे भी देखो पतंगे तो उड़ नहीं रही, आसमान खाली, तो कोई उड़ा भी नहीं रहा। तो इसका मतलब ये भी कि सारे अभी अपने घर पे एंजॉय करें, जब थोड़ी शाम होने लगेगी तब सारे अपने छत पे आएंगे, और अभी तो सारा खाली है भाई, ये देखो। सो मुझे ना गाइस एक बात पे हंसी आ रही है भाई, पहली बात तो ये है मैं अभी रेडी हुआ हूँ छत पे जाने के लिए, ठीक है, और पतंगे वगैरह बस मैं बाय करने जा ही रहा था, और यहाँ पे ऑफिस आया था बेसिकली का, चरखरी वगैरह मैंने ऑफिस में रखी हुई थी अपने, कि 15 अगस्त में इसे ले लूँगा ना अपनी छत पे ऑफिस वाली चल जाऊँगा, पर मैंने सोचा घर की छत पे चले जाता हूँ। तो भाई अब पतंगे लेनी, चरखरी आता मैं वंजन वंजन सब डलवा चुका, अब यहाँ आ गई बारिश, अब खड़े रहो जी 5:30 हो रहे, और बना लो जी, उड़ा लो जी, बना लो ब्लॉग जी, है ना जी, है ना, हैप्पी बर्थडे। मैं देखते बारिश रुकती नहीं रुकती भाई, टेंशन वाला माहौल हो गया अभी, भले समझ लो इनिंग स्टार्ट करने से पहले ही पिच गीली हो गई। चलो मिलते हैं। सो गाइस, फाइनली आ चुका हूँ छत पे और मौसम खुल चुका है, देखो धूप आ रही है बहुत तगड़ी। तो मैं आपको सिखाता हूँ कन्ने बांधना, कन्ने बांधते कैसे। अभी देखा जाए तो उड़ रही हैं थोड़ी बहुत पतंगे, और मैं बिल्डिंग के एकदम टॉप पे खड़ा हूँ इस टाइम, सही है मौसम वेदर वगैरह, तो बस 2 मिनट दो मैं कन्ना बांधना सिखाता हूँ आपको। सो गाइस, ले ली हमने पतंग, तिरंगा पूरी पतंग ली हमने। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि इधर एक इधर की साइड छेद करते हैं दो, एक ऊपर एक नीचे, मतलब एक यहाँ और एक यहाँ पे। तो अभी करके दिखाता हूँ कैसे, कुछ ऐसे छेद होते हैं एक यहाँ पे और दो यहाँ पे। तो अब बांधते हैं कन्ने, वो बताता हूँ आपको। और जो ये गैप है ना, इसको एक हाथ का बिलांग का नाम मैं गैप लेते हैं यहाँ से तिल्ले से, ऐसे करके देख रहे हो प्रॉपर आ रहा है। तो ये भी एक सीन है, अब इसमें डालते हैं धागा, वो आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, मैंने ये डोरी ली और डबल कर ली है, प्लास्टिक का माजा मेरा बहुत पहले का पड़ा था, तो इसको बटा लूँगा एक सुराग में इसमें, और एक इस वाले सुराग में ऊपर वाले में, एक सेकेंड ये डल गया, और यहाँ पे दे देंगे गीट, एक काठ बांध देंगे, ठीक है, इधर तो बन गई। अब ऐसी हमने यहाँ करना है, वो दिखा, वो बांधते नीचे की साइड करने, एक यहाँ आ गया और एक इधर की साइड हो गया, ये देख रहे हो ऐसे। अब इसको बांध देंगे काठ, ये तो मेरे हाथ भी गीले ना पसीना, तो मैं चिपका भी देता पतंग फट जाएगी। तो एक काठ ऐसे हो गई और कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा आपके पास, ये देख रहे हो
ये हो जाएगी पक्की करनी हो सीधे आएंगे तो इसका एक चीज़ हो जाएगा हमको धागा बांधने के लिए एक बार ऐसे करके इतना स्पेस सीधा कर लेना ऐसा ऐसे तो बस हो गया करने और अब इसको उड़ाएंगे हो गए करने टाइट ठीक है अच्छे से कर लेंगे अब मंजा बांधते हैं इसमें तो ये रहा बड़ा छोटी सी चरखरी इसको बांधेंगे इसको ऐसे अगर आप कंधे बांधो तो कंधे ना उससे बांधना सद्दी से वो ज़्यादा बेटर रहते हैं क्योंकि मंजे से मंजा बांधते ना मंजा टूट भी जाता है सीना चालू नहीं मौसम का कुछ पता नहीं है आजकल ठीक है फुल टाइट अब इसको उड़ाते हैं तो गाइज अभी वैसे पता क्या सीनों में बेसिकली अकेला था ना अभी तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा अजय आ रहा है यार पता क्या हो रहा मैं दो बार पतंगे उड़ाई दोनों पता क्या बीच में वो अटक गई क्या कहते हैं उसे ढील होती है ढील अटक गई और वो पतंग ना ऊपर जा रही थी मैं ऐसे ऐसे करे जा रहा हूँ और मंजा बीच में से टूट गया ढील की वजह से और अब चली गई दोनों बार ऐसी हुआ है तो मैंने चक्री चेंज करके भैया से लिए वो भैया खड़े थे जो पहले के यहाँ पे उनसे लिए उनकी रील से उड़ाऊँगा और ऊपर से मार दो तिरंगा कितना प्यारा लग रहा है ना मतलब ये जो अभी गवर्नमेंट ने नहीं लगा रखे तिरंगे बोले तिरंगे और सबसे बड़ा तिरंगा अभी तक यही है यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है पर एक देखा जाए तो उधर की साइड देखो उधर के मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ उनको सो गाइस ये देख रहे हो सबसे बड़ा तिरंगा ये वाला ये दिलशाद गढ़ का तिरंगा है और उधर की साइड देखना आप वो एक पता नहीं कौन सी जगह का सबसे बड़ा तिरंगा फिर एक बोरा चार तिरंगे यहाँ दिख गए और दिखाएं घुमा के और एक बोरा देखो वहाँ पे बोरा चार वहाँ हो गए मतलब तीन वहाँ पे हो गए थे कहाँ गया तीन वहाँ हो गए थे एक एरा चार पाँच मतलब ऐसे जो गवर्नमेंट ने लगा नहीं ना क्या तिरंगे लगा रही है बड़े बड़े तो वो सब दिख रहे हैं देखो एक बोरा छः वहाँ पे सात आठ ठीक है ये बड़े तिरंगे हैं जो गवर्नमेंट लगा रही है ये देखो बाकी सारा तिरंगा ही तिरंगा तिरंगा जहाँ नज़र घुमा वहाँ तिरंगा हर घर तिरंगा और भाई साहब पतंगे उड़ रही हैं बेहतरीन बेहतरीन वो देखो ओए होए होए और यहाँ देखो तो गाइस हवा ऐसी चल रही है ना भाई मस्त वाली हल्का सा पतंग कुछ भी नहीं करना बस हल्का सी आवाज़ हो और पतंग उड़ गई भाई सब मजा आ गया कटवा मत दियो क्या हाल है भाई हमारी पांचवी छठी या सातवीं पतंग होगी मतलब सारी कटी है हमारी क्योंकि तुम सिर्फ कटवाने के लिए जन्मे हो दे दे भाई अपने काट अरे यार तू रहने मैं लगाऊंगा इससे काजू तू रहने दे यार मैं लगाऊंगा दे काट 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 नीचे डाल दे नहीं 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 लगे नहीं लगे डाउन करके सीधे ले आ खेच दे अबे डाउन करो खेच दे अबे डाउन करके खेच यार पहला पेचा काटते हुए काजू भाई हमारे पागल है बारी हमारे अजय भैया की है बोरी हमारी पतंग अजय भैया वह ढील फंस गई थोड़ा आगे जा सद्दी चालू होगी पहली कह रहा हूँ कहाँ जा रहा है नीचे
तू फंसवाएगा मुझे लग रहा है। अब इधर कहाँ ले जा रहा है, टूल की तरफ? और थोड़ा आगे हो पहले, फिर पीछे आ रहा है। अरे तो आगे ले ले, कल चल टल 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 लूजर कहीं का टल। गाइज एक चीज बताऊं, ये जो पतंग है ना, हमारी कन्ने टूट गए, इस पतंग ने हमारा बहुत साथ दिया, मैंने इसी से ही दो कन्ने का दो पेचे काट दिए है ना भैया। भाई मजा आ गया, और ये देखो ये सदी लपेट रहा है बज्जू हमारा रोनाल्डो 7। भाई साहब मजाक नहीं कर रहा, इस पतंग ने बड़ा साथ दिया, बस अब कन्ने टूट गए पता नहीं कैसे, पर इसने मेरी बड़ी हेल्प करी भाई, दो से तीन कन्ने पेचे काट दिए, मजा आ गया। आईबो आईबो हो गई, क्या बात है भाई पता क्या कह रहे, भाई कह रही ये बंदा बस कटवाने आया या फिर कुछ सद्दी तोड़ रहा था बीच में, या भी कन्ने ये अज्जू ऐसी कर रहा है, शक्ल तो देखो इसकी, गंदे आदमी, उड़ानी नहीं आती मुझे, साले थप्पड़ मार दूं, उड़ाई भी मैंने दी और तीन कन्ने भी मैंने काटे हैं, तूने कुछ भी नहीं काटा। हाँ चल। सो गाइज मेरी पतंग तो ये रही और मैंने खुद उड़ा ली, और ये बंदे की देखो 30 साल से मेहनत कर रहा है, इसकी पतंग ही नहीं उड़ रही, और इसकी पतंग पता नहीं कहाँ है भाई तेरी पतंग, भाई मैंने तो उड़ा ली, तेरी कहाँ है? कन्ने भी बांध, कन्ने 1.5 साल से बांध रहा है, तू झूठ तो मत बोला चेतना। अब मेरी पतंग बावली हो रही है, देखो ये देखो, फिर भी सुनना ऊपर चलेगी अपने आप, ये देख रहे हो इसने सारी कटवाई है और मुझे बोलता है ये देखो, ए लगा रहूंगा मैं 30 साल तक लगा रहूंगा मैं, बूढ़ा हो जाऊंगा, डाल उड़ा 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 बीच में डालेगा पिटेगा बेटा, ये देखो ऑर्डर चले यहाँ तक तो आया लौंडा बड़ी मुश्किल से, ये देखो ये ले आया, अब डूब गई डूब डाले, भाई मेरे तो उड़ रही है, चल नकली आदमी, काट ही नहीं पाऊंगा, उड़ा ही नहीं पाऊंगा, सुबह से एक पेचन का कटवाई रहा है, सारी मैंने काटी है, आराम को शर्म कर ले, और बिना हवा में उड़ाऊंगा, मेरी पतंग की हवा यहाँ है और लौंडा उड़ा रहा है वहाँ, देख रहे हो मस्ती इसकी। चलो पतंग आ रही, मैं पेचे लगा के बात करता हूँ, जरा पतंग के पेचे कैसे लगाता हूँ अगर दिख रही है आपको, तो चरखरी रख दो नीचे और इसको ऐसे खींच करो, और ये देखो आ जा भाई आ जा, अरे चरखरी में मंजा उलझा पड़ा यार, आ जा आ जा, रोऊंगा मैं, अरे बोल रही भाई साहब मेरे पर आ जा, अच्छा हवा अच्छी चल रही है, आले बैन समझ रहे, मैं मांजा लेने का टाइम ही नहीं मिला आज, भाई बड़ा दुख वाली बात है, और रात हो चुकी है, अभी एक आधी पतंग पन्नी वाली उड़ाऊंगा, छोटा भीम 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 छोटा भीम, अब उड़ाएंगे एक और उससे लगाते हैं पंजे, कोई आओ, मेरी 150 पतंग कट गई, 150 मैंने काट दी और इसकी अब उड़ी है एक, कैसा आदमी कैसा आदमी है भाई, पहले से बांध के रखे हुए थे मैंने, मेरे अभी भी पतंगे दिखाओ कितनी बड़ी, देखो भाई मेरा मंजा तक खत्म हो चुका, सदी सदी बची है समझ रहे हो, अब क्या बुरी हालत करी मैंने मार्केट की, और ये देखो तीन पतंगे पड़ी हैं, 10-15 ये पड़ी होंगी, ये देखो समझ रहे हो कितनी उड़ा हो चुका हूँ मैं, अरे भैया की अब बुरी है, हाँ भाई भैया कैसा लग रहा है, बहुत बेकार घटिया आदमी, और इस बंदे को दोपहर से कह रहा भाई आ जा, नहीं सो रहा हूँ मैं नहीं आऊंगा, बुढ़ा ले भाई कोई है ही नहीं बुढ़ा बुढ़ा, भाई पहली बात तो देखो उधर कितना बढ़िया नहीं लग रहा, तो सारी बैलून वो लाइट बैलून वाली जो काइट्स होती है ना लाइट वाली वो उड़ रही है, वो देखो कितना अच्छा लग रहा है यार, है ना, ये देखो फोकस मार के देखें, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, सब जगह ही है वहाँ पटाखे फट रहे हैं दूर ही दूर, देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है, उतार नहीं क्या उड़ा के फेंक दे, उधर देखो भाई कितनी लाइटिंग वो रखी है, ये सारी वाली काइट नहीं होती लाइट वाली बैलून बैलून लाइट वाली जो होती है वो है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, उतार के रहा उड़ा ले भाई, अभी एक ही तो उड़ी है तेरी, उसको उड़ा के मेहनत तो कर, उड़ा उड़ा उतार क्यों रहा है, एक नहीं उड़ी बेटा दो तो काट चुका, अबे रहन दे कटवाई खा ले भगवान की कसम, तूने काटी है एक भी काटी हो बताना, एक भी काटी हो तो अबे जा यार जा जा भाई जा रहन दो, भैया थक गए भाई आज बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया पतंग उड़ा के, मतलब 20 पतंगे उड़ाई
पांच तो मेरी ऐसी निकल गई जैसे वो नहीं होती क्या कहते मंजा टूट गया, मंजा भाई मंजा एक तो बैन हो गया, पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा, या फिर वो अच्छी रीजन की वजह से भी हुआ है क्योंकि किसी का गला कट जाता है, चिड़ियों को प्रॉब्लम आती है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये भी सीन था, मंजा बंद हो गया, मंजा मिले तो जो मेरा पहले का पड़ा था ना वही मंजा मैं यूज़ कर रहा था, इसीलिए मंजा टूट रहा था बार बार। और मतलब 20 पतंग उड़ाए तो मैंने कम से कम 6-7 काटी, अजय से तो उड़ी ही नहीं और ना उसने काटी, बस कटवाई है और मतलब सारी कटवाई अजय ने, भाई मैं उड़ाऊंगा कटवा दी। तो ये सीन है, तो अजय हमारा बैड लगता है आज का, तो यही बोलूँगा बहुत मज़ा आया, बहुत फन किया। अब रात होगी जो नीचे आना पड़ा, तो वीडियो क्लोज करने का टाइम भी आ गया। अब यही बोलूँगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 75वें सालगिरह की आपको बहुत 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 मुबारकबाद, शुभकामनाएं और मज़ा आ गया। ऐसे ही हम मज़े करते रहें, हमारे देश अच्छा होता रहे और दुगनी तिगनी तरक्की करता रहे, डेवलप होता रहे। तो साइनिंग ऑफ दिस वीडियो डेली डोज विद काजू, बाय, टेक केयर, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बढ़िया सा जय हिंद।